गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास प्लस टू स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट था डिफरेंशिएशन। तो एक्सरसाइज 7.9 हम कर रहे थे, फर्स्ट थर्ड थ्री सम कंप्लीट हो चुके थे। सम नंबर फोर देखिए, फर्स्ट पार्ट फोर्थ का, y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स एक्स। शो करना है आपको, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ये वाई है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये शो करके दिखाना है आप लोगों को। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, शो दैट, ठीक है, करें डिफरेंशियल, वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स। देखो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस एंगल सेम, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब एंगल का डिफरेंशियल ए का ए साइन है, उसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। तो ये यहां में क्या मिल जाता है कि a cos a sin इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हमें मिला। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हमें कौन सा रूल लगा है, u बाई v। तो अगेन डिफरेंशियल करें तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर यू बाई वी रूल लगाए, तो वी एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ यू, तो ए का ए कोस का डिफरेंस क्या होता है माइनस, तो माइनस वहां लगा देते हैं, साइन ए साइन इनवर्स एक्स। अब एंगल का डिफरेंशियल ए का ए साइन का इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अंडरस्टैंड, आगे क्या हो जाएगा, यू का डिफरेंशियल हो चुका है, अब माइनस यू एज इट इज ए कोस ए साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ वी, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब डिफरेंशियल अंदर वाले फंक्शन का, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स डिवाइड बाई क्या होता है वी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट का स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा, तो इसको हम यहां लिख देते, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये डिवाइड में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सबकी वैल्यू पुट कर देते, देखो ध्यान से इसे ये कैंसिल आउट, तो ये यहां से हमें क्या मिल जाता है, ये डिवाइड में था इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस का। अब देखो ये जो वैल्यू है साइन ए साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां वैल्यू क्या पुट कर देंगे वाई माइनस माइनस प्लस, टू से टू कैंसिल आउट। अब देखो ध्यान से ये इज कंप्लीट इक्वेशन टू, देखे ए कोस ए साइन इनवर्स एक्स, तो ए कोस ए साइन इनवर्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स, यहां क्या बच जाता है एक्स, तो यहां क्या लिखे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पुट कर दी, इसको इधर ले आए तो यहां लेके आओगे तो सोलो इस लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, यही शो करना था आपको, अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ सम का पार्ट नंबर लास्ट देखिए, लास्ट
फोर्थ का लास्ट पार्ट, कौन सा पार्ट है ये, फिफ्थ, वाई इज इक्वल टू लॉ एंगल में है एंड रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एक्स इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई टू, वाई टू मीन्स टू टाइम डेरिवेटिव प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई वन, वाई वन मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल प्लस टू इक्वल टू इज इक्वल टू टू, सॉरी प्लस टू नहीं है, इज इक्वल टू टू, ये आपको प्रूव करना है। देखो ध्यान से, तो यहां से आप क्या करोगे, लॉग एम पावर एन, तो यहां क्या मिल जाएगा हमें टू आगे लॉग एज इट इज ना, तो इसका एलसीएम ले लो रूट एक्स, तो यहां क्या मिल गया एक्स प्लस वन, तो इसको सोल्व कर लो वाई इज इक्वल टू टू लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। अब इसको क्या लिखोगे, वाई इज इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई करोगे टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स पावर हाफ, पावर आगे y इज इक्वल टू टू log x प्लस वन माइनस टू मल्टीप्लाई वन बाई टू log x, टू से टू कैंसिल y इज इक्वल टू टू log x प्लस वन माइनस log x, ये मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। अब डिफरेंशियल कर लेना, y1 मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू टू लोग एक्स का एक्स प्लस वन माइनस लोग एक्स का माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, लोग का डिफरेंस क्या था वन बाई एन, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड सॉरी सेकंड, अगेन डिफरेंशियल वाई टू टाइम डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाए माइनस माइनस वन होता ना, तो ऊपर टू है तो माइनस टू एक्स प्लस वन स्क्वायर, और ये क्या हो जाए वन माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन था। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड और थर्ड की वैल्यू यहां पुट कर देना लेफ्ट हैंड साइड में, आपको टू रिजल्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सम नंबर फिफ्थ भी एज इट इज है, सिक्स देखें, सिक्स देखे सिक्स का फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट क्या करना आपको, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, फाइंड आउट करना आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी एंड वाई इज इक्वल टू ए बी साइन टी, x इज इक्वल टू ए कोस टी वाई इज इक्वल टू बी साइन टी, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, ठीक है, तो आपने मतलब सुन में किया होगा ये किसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, इलिप्स की पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब सुन में किया हो ध्यान हो तो आप सोच के देखो एक बार, a इधर आया तो x बाई ए इज इक्वल टू कोस टी वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन टी, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करें तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन मिलता है, तो ये इलिप्स की पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये भी ध्यान रखा करो कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म किसकी है, तो डिफरेंशियल करें डी एक्स बाई डी टी, यहां से हमें क्या मिल जाता माइनस ए साइन टी, वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी टी, यहां से हमें क्या मिल जाता है बी कोस टी। ओके आप क्या निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या कैसे निकालते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बी कोस टी डिवाइड बाई माइनस ए साइन टी, तो यहां से हमें क्या मिल गया माइनस बी बाई ए कोट टी, क्या मिल जाएगा माइनस बी बाई ए
40। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कोट टी, इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, गलती से ये मत कर देना टू टाइम डेरिवेटिव यहां करके डिवाइड कर दिया, सोचो पीछा छूट गया, नहीं। अगेन डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए टी। यहां पर आपका पैरामीट्रिक फॉर्म था, अदरवाइज टी कॉन्स्टेंट होता तो जीरो हो जाता। पैरामीट्रिक फॉर्म होने की वजह से कोट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल सेम। अब टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स, ये जरूर ध्यान रखना है, टी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस ए बाई साइन टी। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस ए साइन टी। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है, माइनस बी बाई ए स्क्वायर वन अपॉन साइन कोसिकेंट। तो हमें मिल गया कोसिकेंट क्यूब टी, ये हमारा रिजल्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जरूर ध्यान रखें इस पार्ट को, इस पार्ट को अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहां डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, यहां एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स रहेगा। ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं, सिक्स का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये सिक्स्थ का थर्ड पार्ट हमने पहले कर लिया है, ठीक है, इससे पहले वाले एक्सरसाइज भी किया है। सेवंथ का सेकंड पार्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, y इज इक्वल टू टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। क्या फाइंड आउट करना आपको, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट ए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, मीन्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट करके थीटा की वैल्यू पाई बाई टू कर दो, वहां जो रिजल्ट आता थीटा का। तो सोल्व करते हैं, करो डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखो x डिफरेंस है क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, थीटा फॉर्म में दे रखे है, तो x का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा, cos का डिफरेंस क्या हो जाए माइनस साइन थीटा, cos का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस साइन टू थीटा, और टू का डिफरेंस टू थीटा का टू। तो यहां से हमें क्या मिल गया, माइनस टू साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। एक बार ध्यान दें, साइन टू थीटा की वैल्यू पुट कर दो, माइनस टू साइन थीटा है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू साइन थीटा कोस थीटा इनटू टू, तो कॉमन क्या निकाल दें, माइनस टू साइन थीटा कॉमन निकाल दें, या फिर टू साइन थीटा कॉमन निकाल दें। तो हमें यहां क्या मिल गया, माइनस वन प्लस टू कोस थीटा, ये हमें यहां मिल गया। करें डिफरेंशियल, यहां से डी वाई बाई डी थीटा टू साइन का डिफरेंशियल कोस थीटा माइनस कोस, ये क्या हो जाएगा, टू कोस टू थीटा, टू कोस टू थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, टू कोस थीटा, इसको भी चेंज करने की जरूरत तो नहीं है भाई, चलो करते हो, टू कॉमन निकाल दो, कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। ओके,
कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। अब क्या निकालना आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी थीटा टू इंटू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। यहां से ये वैल्यू पुट कर दो चाहे ये वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, तो मैं वापिस यही वैल्यू पुट कर रहा हूं क्योंकि यहां से कोस थीटा और कोस टू थीटा कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, टू, यहां से हमें क्या मिल रहा है, साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, टू से टू कैंसिल आउट, कोस सी माइनस कोस डी। फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी, क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो थीटा प्लस टू थीटा बाई टू, और साइन डी माइनस सी बाई टू, तो टू थीटा माइनस थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो टू से टू कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, तो बच गया, मिला क्या हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन बाई कोस, क्या मिल जाएगा, टेन थ्री थीटा बाई टू। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड वन लो, थर्ड वन अगेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हो, बाकी फिर थीटा के यहां पे थीटा का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, फिर थीटा की वैल्यू पाई बाय टू पुट कर देना लास्ट में। ओके बच्चों, सम नंबर एट देखे, एट का पार्ट नंबर फोर्थ देखिए, एट का फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, लॉग टी बाई टू प्लस लॉग टेन टी बाई टू, सॉरी लॉग टेन टी बाई टू, वाई इज इक्वल टू साइन डी, फाइंड आउट क्या करना आपको, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और एट टी इज इक्वल डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आपको फाइंड आउट करना है, और एट ए t इज इक्वल टू पाई बाई फोर भी पुट करके वैल्यू पुट कर निकालनी है। तो x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी पैरामीटर है, cos का डिफरेंस माइनस साइन टी, लो का डिफरेंस वन अपॉन एंगल टेन टी बाई टू, अब टेन का डिफरेंस क्या हो जाएगा ऊपर सीकेंट स्क्वेयर टी बाई टू, अब टी बाई टू का वन बाई टू। ओके देखो, पहले log का फिर टेन का फिर एंगल का, अब सोल्व करो इसको, माइनस साइन टी प्लस सीकेंट स्क्वेयर को क्या लिखते हैं, वन बाई कोस स्क्वेयर टी बाई टू, टू का टू ये, टेन का डिफरेंस क्या होता है साइन बाई कोस, सॉरी टेन का डिफरेंस नहीं, सॉरी टेन को हम क्या कर सकते हैं साइन बटे कोस स्क्वेयर रूप में, कोस से कोस कर सकते, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस वन बाई टू साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू, तो टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा, तो यहां से हमें क्या मिला माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी, वन अपॉन साइन टी, तो साइन टी एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर टी प्लस वन डिवाइड बाई साइन टी,
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर, तो यहां क्या मिल गया कोस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी। ओके बच्चों, तो इसको आप है ये भी लिख सकते हो कोट टी इंटू कोस टी, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी टी, साइन का कोस टी, साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा कोस टी। करो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, कोस टी डिवाइड बाई डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी तो है ही, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है कोट टी इंटू कोस टी, कैंसल आउट, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा आपको टेन टी। ओके अगेन डिफरेंस करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, टेन का डिफरेंस क्या होता है सीक्वेंट स्क्वेयर टी, टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई टी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स बाई डी टी की तो ये है, डी टी बाई डी एक्स की क्या हो जाएगी सीक्वेंट स्क्वेयर टी, चेंज कर देना वन अपॉन कोट टी इंटू कोस टी, अंडरस्टैंड, सोल्व करें सीकेंट स्क्वेयर टी का सीकेंट स्क्वेयर टी वन अपन कोट क्या होता है टेन टी, वन अपन कोस सीकेंट टी, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल गया सीकेंट क्यूब टी इंटू टेन टी, ये हो जाएगा आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर और पुट कर दो, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा सीकेंट पाई बाई फोर पावर थ्री इंटू टेन पाई बाई फोर। देखो कोस 45 क्या होता है वन बाई रूट टू, तो सीकेंट 45 क्या हो जाएगा रूट टू पावर ऑफ थ्री इंटू टेन 45 वन, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है टू रूट टू, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट सम आप लोगों को खुद को करना है, आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.9। थैंक यू, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।